दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिया ऑफ रिक्टेंगल डक्ट के बारे में। ये सिंपल डक्ट है। डक्ट कैसे बनाते हैं इसको आज हम लोग देखेंगे, और कैसे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलता है, और एक फिगर के साथ हम लोग डिनोट करेंगे वो देखेंगे। चलिए, सबसे पहले एरिया ऑफ रिक्टेंगल डक्ट एक हम डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है एरिया का, 2 × W + H × L। जैसे देखिए, इस फिगर में हमने क्या किया कि हैच इसका हाइट डिनोट कर दिया है 0.4 मीटर, और विड्थ जो है 0.6 मीटर हमने लिया है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डक्ट जो इस फिगर का ना एक जो क्रॉस सेक्शनल जो एक्चुअल फिगर होता है डक्ट का, वो फिगर हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। और इसका लेंथ हमने दिया है 1.5 मीटर। अब जैसे ए इक्वल टू एरिया हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू विड्थ हो गया, और एच इक्वल टू हाइट हो गया, और लेंथ एल हो गया। मतलब इस वीडियो में मेन पर्पस ये बताना है कि कोई भी डक्ट हो, चाहे कोई भी डक्ट हो, उसका हम लोग जो है क्या कहते हैं कि कैसे एक्सेल शीट में हम लोग कैसे दिखाएंगे, यही ना। तो एक्सेल शीट में दिखाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होता है। सिंपल सा एक फॉर्म है, जैसे कि हम लोग लाइन बाय लाइन अगर करना चाहेंगे तो आराम से आप कर लीजिएगा। एक्सेल शीट में कैसे करते हैं, अब जैसे देखिए, इसका जो सारा फार्मूला था वो तो निकाल लिए, ए इक्वल टू 2 × W + H × L, और सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए। और सारा जब वैल्यू पुट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका एक्सेल शीट आने वाला है। और एक्सेल शीट क्या होता है आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। एक्सेल शीट में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेंथ जैसे है ना, तो आप लेंथ आप देख लीजिए, ये लेंथ है 1.5 मीटर, इसका हाइट है 0.4 मीटर, और इसके बाद जो है ये विड्थ जो है वो 0.6 मीटर है, और स्क्वायर मीटर जो टोटल जो आ रहा है वो ये है। और ये पर्पज़ इसलिए बताना का था कि जब आप साइट पे एज ए साइट इंजीनियर आप काम करते हैं, तो आपको एक्चुअल में बिल जो है पास करवाना होता है क्लाइंट से। तो क्लाइंट से कैसे बिल पास होगा, जब आपको एक्सेल में आता रहेगा तभी जाके आपका बिल पास होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।